नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन चौधरी। मैं आपके लिए लेके आया हूँ मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट वाइज कोर्स, जहाँ पे आप 18 फेब को जो आपका MPSC का एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कल के लेक्चर में हमने देखा था इंदौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। आज हम इंदौर डिवीज़न के अगले डिस्ट्रिक्ट धार के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। इंदौर से लगा हुआ धार डिस्ट्रिक्ट है, तो सबसे पहले हम धार डिस्ट्रिक्ट के इतिहास के बारे में थोड़ा देखते हैं। अगर धार डिस्ट्रिक्ट के इतिहास की मैं बात करूँ तो 9th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक, 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक, तकरीबन 400 साल तक यहाँ पे जो परमार किंग्स थे, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट थे राजा भोज और राजा मुंज, उन्होंने यहाँ पे तकरीबन 400 साल तक धार के अंदर राज किया। उसके बाद जब सल्तनत पीरियड का समय आया, दिल्ली सल्तनत का समय आया, तो 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने और धार और उसके आसपास का जो मांडू का क्षेत्र है, पूरे क्षेत्र को अपने अंदर में कब्जे में लेते हुए पूरा जो मालवा था उसको अपने अधीन बना लिया। उसके बाद 1401 के अंदर दिलावर खान गौरी ने, जो मालवा के गवर्नर थे, अलाउद्दीन खिलजी ने उनको मालवा का गवर्नर नियुक्त किया था। उन्होंने एक इंडिपेंडेंट किंगडम, एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र राज्य की स्थापना यहाँ पे की धार के अंदर। उनका जो कैपिटल था, उनका जो राजधानी था, वो धार को उन्होंने बनाया। उसके बाद उनके लड़के आए होशंग शाह, जिन्होंने धार का जो कैपिटल है उसको ट्रांसफर कर दिया धार से मांडू। तो पूरे मालवा जो सूबा था उसका कैपिटल अब धार से मांडू हो गया। उनको होशंग शाह को मांडू बहुत पसंद था। उसके बहुत सारे रीज़न है। एक तो मांडू काफ़ी एक हाई प्लेस पे है, काफ़ी ऊंचाई के ऊपर है, तो जहाँ पे एटमोसफियर है वो एटमोसफियर काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो रणनीतिक क्षेत्र है, वो सबसे अच्छा है, क्योंकि पहले के टाइम पे जब युद्ध होते थे सबसे इम्पोर्टेंट होता था, अगर आपने किला जीत लिया किसी राजा का तो आपने पूरे राज्य को जीत लिया। आज के समय में आपको बाउंड्री के थ्रू, इंटरनेशनल बाउंड्री के थ्रू अंदर आना पड़ता है और उसके बाद आप उस एरिया को कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन जब महाराजाओं का समय था तो उस टाइम पे किला सबसे इम्पोर्टेंट होता, आपने किला जीत लिया तो आपने सब कुछ जीत लिया। तो पूरी तरह से चारों ओर से ये पर्वतों से घिरा हुआ मांडू था, इसके कारण किसी भी दुश्मन को यहाँ पे इसको कैप्चर करना काफी मुश्किल था। तो इसके लिए उन्होंने कैपिटल जो है वो धार के अंदर उन्होंने शिफ्ट किया। उसका हुशंगशाह के लड़के हुए गजनी खान, उन्होंने मांडू का नाम उसको चेंज करके शादियाबाद कर दिया। शादियाबाद का मतलब था सिटी ऑफ जॉय, जहाँ पे बहुत सारा हो, हर्ष उल्लास हो, काफी खुशी हो, तो शादियाबाद उन्होंने इसका नाम ट्रांसफर किया। तो मांडू को मांडू भी कहा जाता है, शादियाबाद भी कहा जाता है, दोनों नाम इसके हैं। तो अगर इंग्लिश में देखें तो शादियाबाद का मतलब होता है सिटी ऑफ जॉय, अंग्रेजों ने इसका नाम चेंज करके इसको अंग्रेज को कहने लग गए सिटी ऑफ जॉय या शादियाबाद। हुशंगशाह गजनी खान के बाद उनका लड़का आया महमूद खान। महमूद खान ने यहाँ पे जैसी गद्दी संभाली तो उन्होंने दिल्ली सल्तनत से अलग होते हुए एक इंडिपेंडेंट खलजी सल्तनत यहाँ पे मालवा के अंदर स्टैब्लिश की। जो दिल्ली की जो खलजी सल्तनत थी वो उस टाइम बहुत वीक हो चुकी थी, अगर लगभग खत्म हो चुकी थी। तो उन्होंने अपने खलजी डायनेस्टी, क्योंकि अफगान्स थे तो उन्होंने अपने अपना खलजी डायनेस्टी था यहाँ के अंदर स्टैब्लिश किया। उसके बाद सबसे आखिरी में अगर देखें तो बाज बहादुर बाद में यहाँ के किंग बनते हैं, जो रानी रूपमती का उनका जो प्रेम प्रसंग है, लव सीन है, उसके लिए काफी फेमस थे। तो बाज बहादुर यहाँ के किंग बनते हैं, जिनके ऊपर अकबर ने 2 बार अटैक किया। एक बार ये अटैक करते हैं अकबर इनके ऊपर अधम खान की हेल्प लेकर, तो ये यहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन दूसरी बार फिर से बाज बहादुर यहाँ पर अटैक कर बाज बहादुर के ऊपर अकबर के द्वारा अटैक किया जाता है, और बाज बहादुर का जो पूरा राज्य है, मालवा जो पूरा सूबा है, इसको मालवा सूबे को अकबर यहाँ पे जीत लेता है। बाज बहादुर को बाद में अकबर के दरबार में पेश किया जाता है, अकबर उसको तक 2000 का मनसब, 2000 की मनसबदारी उसको प्रोवाइड करता है। तो जैसे ही पूरा मालवा अकबर के कब्जे में आता है तो ये पूरे मालवा को एक मालवा सूबा बनाता है। जैसे कि ब्रिटिश के टाइम की, मुगल्स के टाइम की हम बात करें तो मुगल के टाइम पे पूरा जो स्टेट था, मुगल स्टेट था, उसको सूबे के अंदर बांटा गया था, सूबा और सूबे के अंदर सरकार। तो पूरा मालवा सूबा के अंदर मांडू सरकार बनाई गई। एक मालवा सूबा के अंदर इंदौर, धार, खंडवा, खरगोन, ये पूरे एरिया मालवा सूबा के अंदर आते थे। मांडू सरकार यहाँ पे, मांडू सरकार जो है यहाँ पे स्टैब्लिश की गई। आज के समय में देखें तो सरकार मतलब डिस्ट्रिक्ट को हम मान सकते हैं। उसके बाद 1818 के अंदर जब पेशवा बाजीराव, जब पेशवास का रूल था, तो जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि पूरा जो मालवा था तो उसको होलकर्स, सिंधिया और पवार राजाओं के बीच में बांट दिया गया। तो पवार राजाओं का जो पार्ट था, एक पार्ट था देवास के अंदर,
देवास सीनियर और देवास जूनियर, और दूसरा जो पार्ट था धार के अंदर, तो वो पार्ट दे दिया गया यहाँ के पावर राजाओं को। तो उसके 1818 से 1947 तक यहाँ पे पवार राजाओं का रूल रहा। और जैसे ही हम आज़ाद हुए तो हमारे आज़ादी के बाद पूरा जो धार डिस्ट्रिक्ट है उसको मध्य भारत के अंदर शामिल कर लिया गया। तो 1948 से 1956 तक धार पार्ट रहा किसका? मध्य भारत का। मध्य भारत का पार्ट रहा। और 1956 के अंदर जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन स्टैब्लिश हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग, उसकी सिफारिश के आधार पर मध्य भारत को मध्य प्रदेश में मिला के धार जो है वो मध्य प्रदेश का हिस्सा बना। टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म की बात करें और धार के अंदर मांडू का जिक्र ना हो तो ये तो एक अतिशोक्ति होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं धार के अंदर टूरिज्म में मांडू। मांडू धार से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर एक शहर है, इसका नाम शादियाबाद, मैं आपको बता चुका हूँ। ये एक अफगान आर्किटेक्चर के ऊपर बना है, जो उसकी वास्तुकला है वो अफगानी वास्तुकला है। अभी जब जहांगीर यहाँ पे अकबर के बाद जब जहांगीर यहाँ आया था तो काफी टाइम तक यहाँ रुका था, और यहाँ का जो मौसम था यहाँ के मौसम से काफी प्रभावित हुआ। और एक बार उसने मन बनाया कि क्यों ना जो मेरी राजधानी है उसको आगरा से यहीं पर शिफ्ट कर लिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है और इसके अंदर 12 गेट हैं। पूरे मांडू जो किला बना हुआ है इस किले के अंदर 12 गेटवे हैं, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है दिल्ली दरवाजा। दिल्ली दरवाजा, दिल्ली दरवाजा इसका मेन एंट्रेंस गेट है। उसके बाद कुछ छोटे छोटे यहाँ पे और 11 दरवाजे हैं, जैसे आलमगीरपुर दरवाजा जो औरंगजेब के नाम से है, भंगी दरवाजा, रामपोल दरवाजा और जहांगीर गेट। तो ये जो इसके हैं मेन जो एंट्रेंस गेट है यहाँ पे, उसके एंट्री के अंदर यहाँ पे बनाए गए हैं। सबसे फेमस आर्किटेक्चर यहाँ का है जहाज महल। आप इसका फिल्म पिक्चर देख सकते हैं जहाज महल। 120 फीट लंबा ये जहाज महल है, शिप पैलेस भी इसको बोला जाता है। इसका जो आकृति पूरा जहाज जैसा है, और इसका जो निर्माण है दो आर्टिफिशियल मेनमेड लेक के थ्रू किया गया है। दो आसपास तालाब बनाए गए हैं और तालाब के बीच में एक जहाज नुमा एक महल बनाया गया है। तो वो जो तालाब है उन तालाब के नाम है मुंज तालाब और कपूर तालाब। तो बोला जाता है कि ये जो तालाब है ये राजा भोज के समय से यहाँ पर थे, और कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है ये खलजी डायनेस्टी जो मालवा की थी उनके द्वारा किया गया है। बेसिकली बोला जाता है कि गियासुद्दीन, जो सुल्तान गियासुद्दीन थे, उन्होंने इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था, लेकिन ऐसा कोई एक्जैक्ट प्रूफ नहीं है कि गियासुद्दीन ने ही इसका स्थापित किया है। इसको सुल्तान द्वारा यूज किया था हरम के रूप में। हरम का मतलब होता है कि जब राजा द्वारा युद्ध में जो लड़कियों को जीत के लाया जाता है तो उसको हरम में रखा जाता है। तो कहा जाता है कि जहाज महल एक तरीके से हरम का काम करता था। अगला यहाँ पे आर्किटेक्चर है हिंडोला महल। हिंडोला महल इसलिए, अब पिक्चर के अंदर देख रहे हैं तो इसके जो, अगर आप देख सकते हैं कि इसका जो वॉल्स है थोड़ी झुकी हुई है, तो तकरीबन 77 डिग्री से इसकी जो वॉल्स है वो झुकी हुई है, तो इसलिए इसको हिंडोला महल कहा जाता है। कि ऐसा लगता है कि जो इसके दीवारें हैं कभी भी हमारे ऊपर गिर जाएंगी। तो पूरा जो बिल्डिंग है टी शेप के अंदर बना हुआ है, इंग्लिश का जो टी वर्ड होता है उसके रूप में बना हुआ है। गियासुद्दीन खिलजी ने इसको स्थापित किया था, और इसका जो नाम है ये इसकी स्लोप्स के, इसकी जो स्लोपिंग और बटरस वॉल है उन दीवारों के कारण, 77 डिग्री झुकी हुई दीवार है, दीवार के कारण इसका नाम जो है वो हिंडोला महल इसको नाम रखा गया। स्टार्टिंग में उसका यूज सल्तनत पीरियड, सॉरी जो खलजी राजाओं थे उन राजाओं के दरबार के रूप में किया जाता था, लेकिन कुछ समय बाद ये एक एम्फी थिएटर या एक प्रदर्शनी या फिर जहाँ पे राजा बैठ के नाच गाना देखते थे, तो उसके रूप में इस ओपन थिएटर एम्फी थिएटर के रूप में इसका उपयोग किया जाना गया। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और बिल्डिंग्स हैं, जैसे जहाज महल तो आपने बता चुका हूँ मैं आपको, तवेली महल, मुंज तालाब, नाहर झरोका। नाहर झरोका में राजा या फिर जो रॉयल फैमिली के लोग हैं वो वहाँ पे बैठ के, नाहर मतलब होता है मालवा के अंदर शेर, तो शेर को देखने के लिए वहाँ बैठते थे, और बेसिकली वहाँ पे रह के शेर का वो शिकार किया जाता था। उसके बाद यहाँ पे फेमस आर्किटेक्चर है चंपा बावली। तो जो चंपा बावली है ये ऐसा आर्किटेक्चर आपको रेड फोर्ट जो है, लाल किला है दिल्ली का, वहाँ पे भी मिलेगा। तो चंपा बावली के अंदर गर्म और पानी, ठंडे पानी दोनों के स्प्रिंग्स लगे हुए थे, जैसे हमारे फवारे होते हैं, हमारे घर के अंदर जो शावर होता है उस टाइप से यहाँ पे चंपा बावली में शावर्स बनाए गए थे।
नीचे आग लगाकर पहले पानी को खौलाया जाता था, और उसके बाद जो स्प्रिंग के थ्रू उसको राजाओं को या जो रॉयल फैमिली के लोग हैं उनको नहाने या दूसरे काम के लिए उस पानी का उपयोग किया जाता था। अगला जो आर्किटेक्चर यहाँ पे है, होशंग शाह का मकबरा, टॉम्ब ऑफ होशंग शाह। तो होशंग शाह ने जब वो जीवित थे तो उसी समय पे उन्होंने अपना टॉम्ब बनाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उनकी डेथ के बाद उनके लड़के के द्वारा इसके टॉम्ब को कंप्लीट किया गया। तो कहा जाता है कि ये भारत का पहला मार्बल टॉम्ब है, तो जिससे जो सुल्तान शाहजहां थे वो उससे काफी सॉरी जो जहांगीर थे, जहांगीर इससे काफी इम्प्रेस हुए थे। और उसके बाद उन्होंने फिर दिल्ली जाके बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्चर्स हैं उनको बनाना वहां पे स्टार्ट किया। तो पहला मार्बल का टॉम्ब ये माना जाता है। और जब शाहजहां ने यहाँ पे विजिट किया तो विजिट के बाद उन्होंने अपने जो आर्किटेक्चर जो उनके आर्किटेक्चरिस्ट थे उस्ताद ईसा खान, उनको यहाँ पे भेजा, और उससे काफी यहाँ के आर्किटेक्चर से काफी इंस्पायर हुए। अगला यहाँ पे जामी मस्जिद, ये जो दमास्कस के अंदर जो एक बहुत ग्रेट मॉस्क बना हुआ है, ये आप मॉस्क का इमेज यहाँ पे देख सकते हैं। सेम मॉस्क अगर आप देखेंगे दमास्कस के अंदर भी सेम आर्किटेक्चर के अंदर वहाँ पे मॉस्क बनाया गया है। तो ये दमास्कस से इंस्पायर हुआ ये मॉस्क, और इसको होशंग शाह ने बनाया था, लेकिन महमूद खलजी के टाइम पे 1454 में, 1454 में इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो पाया। उसके बाद जैसे मालवा के अंदर सबसे फेमस है राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानी, तो उसी प्रेम कहानी का गवाह है रानी रूपमती पैवेलियन। ये बाज बहादुर जो पैलेस है, बाज बहादुर पैलेस से थोड़ा सा दूर रूपमती पैवेलियन और ऊंचाई पे पहाड़ के ऊपर बनाया गया है। बाज बहादुर ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था, और जब बाज बहादुर रानी रूपमती से शादी करना चाहते थे तो उन्होंने कंडीशन रखी थी कि मैं जब तक नर्मदा नदी के दर्शन नहीं कर लेती हूँ तब तक मैं स्नान नहीं, तब तक मैं खाना नहीं खाती, तब तक मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती। तो उन्होंने इस कंडीशन को माना, और उन्होंने एक हाई प्लेस के ऊपर एक महल को बनाया, इस महल को बनाया, और नर्मदा नदी जो यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर से निकलती थी उसका थोड़ा रास्ता चेंज करते हुए उसको महल से 15 से 20 किलोमीटर दूर निकाला, जहाँ पर रानी रोज सुबह उठ के नर्मदा नदी के दर्शन करती, और दर्शन करने के बाद वो अपना ब्रेकफास्ट वगैरह उसको लेती थी। अगला आर्किटेक्चर धार के अंदर है बाग केव्स। ये धार की जो कुक्षी तहसील है, कुक्षी तहसील के अंदर स्थापित है। इसका बाघ से शेर से कोई मतलब नहीं है, ये बाघिनी रिवर के किनारे बसा हुआ है, इसलिए इसको बाघ केव्स कहा जाता है। टोटल 9 केव्स यहाँ पे हैं, जो 4थी शताब्दी से 7वीं शताब्दी के अंदर उसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो ज़्यादातर जो इनका रिस्टोरेशन ठीक से हो नहीं पाया, देखभाल ठीक से नहीं हो पाई इन केव्स की, उसके कारण ये काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। लेकिन इनके अंदर एक जो 4 नंबर की केव है, केव नंबर फोर यहाँ पे काफ़ी फेमस है, और इसको रंग महल कहा जाता है। तो यहाँ का ये पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये रंग महल का ही पेंटिंग है। तो इस पूरी केव्स को फिर से रेनोवेट किया गया। तो बेसिकली आर्किटेक्चरिस्ट जो है उनका कहना है कि अजंता एलोरा की केव्स के जो उनका जो आर्किटेक्चर है, रॉकेट आर्किटेक्चर है, ऑलमोस्ट उसी का सेम आर्किटेक्चर बाघ केव्स का है, लेकिन यहाँ पे कंजर्वेशन नहीं होने के कारण इनकी जो कंडीशन है काफी खराब हो चुकी है। तो ये था बाघ केव्स जो बघनी नदी के किनारे है। अगला धार के अंदर फेमस है फड़के स्टूडियो। फड़के जो स्टूडियो है, ये जो धार के जो पवार किंग्स थे, तो धार के पवार किंग्स आर्ट एंड कल्चर को काफी प्रमोट करते थे, काफी पैटर्न थे उनके। तो उन्होंने मुंबई से एक आर्किटेक्चर को बुलाया, रघुनाथ कृष्ण फड़के, तो ये काफी अच्छी मूर्तियां बनाते थे, तो इनको यहाँ पे बुलाया, और उनकी हेल्प से 1933 में, 1933 के अंदर इन्होंने यहाँ पे फड़के स्टूडियो की स्थापना की। तो यहाँ पे अलग जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं या फिर जो दूसरे उस समय के बड़े बड़े व्यक्ति होते थे, राजा होते थे, उनका जो स्टोन स्कल्पचर है ये यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ये आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, काफी अच्छे स्कल्पचर्स यहाँ पे बने हुए हैं। सेम क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन है कि फड़के स्टूडियो कहाँ पे स्थापित है। 2014 में एमपीपीएससी ने इस क्वेश्चन को यहाँ से पूछा था। तो 1933 के अंदर ये स्टैब्लिश हुआ। अब बात करते हैं भोजशाला की। तो धार के अंदर सबसे फेमस है, जब भी आप बसंत पंचमी का समय आता है तो मध्य प्रदेश के जो न्यूज़पेपर्स हैं वो धार की न्यूज़ से भरे हुए होते हैं। उसका रीज़न है राजा भोज ने, कहा जाता है कि 10वीं शताब्दी के अंदर यहाँ पे सरस्वती माता का टेम्पल बनाया था, और उस टेम्पल के बाद जब मुस्लिम राजाओं का यहाँ पे रूल आया तो मुस्लिम राजाओं ने यहाँ पे एक मॉस्क बनाया, उस मॉस्क को कहा जाता है कमाल मौला मॉस्क, कमाल मौला मस्जिद। तो 1903 के अंदर जब, जैसे मैंने आपको बताया कि जो धार के राजा थे वो आर्ट और कल्चर के काफी अच्छे पैट्रोन्स थे, तो उनके टाइम पे एक आर्कियोलॉजिस्ट थे यहाँ पे, के लेले। तो के लेले ने यहाँ पे
जो के ले रहे थे, जब यहाँ पे इसका पूरा सर्वे कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि मस्जिद जो दीवारें हैं, मस्जिदों की दीवारें के अंदर से जब उन्होंने देखा तो संस्कृत के कुछ श्लोक वहां पे लिखे हुए थे और कुछ हिंदू आर्किटेक्चर के कुछ उनको सिंबल्स वहां पे दिखाई दिए। तो जब उन्होंने राजा को ये बात बताई और उसका पूरा रिसर्च किया गया, तो ये कंफर्म हो गया कि जो सरस्वती मंदिर की जो किताबों के अंदर बात की जाती है, जो राजा अनंत वर्मन अर्जुन वर्मन के समय पे बनाया के टाइम पे और उसको डेवलप किया गया था, तो वो यही मंदिर है बेसिकली। यहाँ पे एक सरस्वती मंदिर था और 1875 के अंदर एक मेजर जनरल थे ब्रिटिश के समय के, विलियम विंसेंट ने यहाँ की जो मूर्तियां थी देवी अंबा की और देवी वाघ देवी की, इन दोनों मूर्तियों को यहाँ से ले जाके ब्रिटेन के जो म्यूजियम है, ब्रिटेन के म्यूजियम के अंदर रख दिया। अभी आप देख सकते हैं, मुझे इसका इमेज तो नहीं मिल पाया, लेकिन ये जो वाघ देवी की जो मूर्ति है, ये वाघ देवी का एक मूर्ति है। तो ये क्वेश्चन भी एमपीपीएससी द्वारा पूछा गया था 2013 या 14 के अंदर कि जो धार की वाघ देवी की मूर्ति है वो किस म्यूजियम के अंदर रखी गई है, तो वो लंदन म्यूजियम के अंदर रखी गई है। और ये भी कहा जाता है कि जो लंदन के म्यूजियम के अंदर अभी जो मूर्ति रखी गई है, वो जो मूर्ति है वो भी असली नहीं है, वो ओरिजिनल मूर्ति की रेप्लिका है। और जो ओरिजिनल जो मूर्ति है वो उनका प्राइवेट म्यूजियम जो ब्रिटिश किंग्स का है वहां पे उनको रखा गया है। उसके अलावा अगला आर्किटेक्चर यहाँ पे है लठ मस्जिद। इसको भी 1405 के अंदर दिलावर खान ने स्टैब्लिश किया था। कहा जाता है ये पुराना जैन टेम्पल था, उसको उन्होंने तोड़कर यहाँ पे एक मस्जिद का निर्माण किया। इसका नाम लठ मस्जिद इसलिए है कि जो इसके पिलर्स हैं वो लठ या फिर जो मोटा बांस होता है उसकी तरह दिखाई देते हैं। यहाँ पे 11th सेंचुरी का एक आयरन पिलर मिला है। काफी आयरन पिलर्स यहाँ पे हैं, लेकिन एक जो है वो अच्छी तरह उसको कंजर्व करके रखा गया है, तो उसके नाम से फेमस है आपका लठ मस्जिद। यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन है जो बोलता है कि 1598 में, 1598 में महा जो भारत के जो शहनशाह थे, शहनशाह अकबर, उन्होंने भी यहाँ पे विजिट किया था। अगली बात करते हैं धार के अंदर जीराबाग पैलेस। तो जीराबाग पैलेस है, इनको धार के राजाओं के द्वारा बनाया गया था। आप जैसे आप आर्किटेक्चर के अंदर फोटो के अंदर देख सकते हैं कि काफी नया स्ट्रक्चर इसका दिख रहा है। तकरीबन 1885 और 1890 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया। तो ये पवार राजाओं द्वारा बनाया गया था और उसको अभी उनके रेसिडेंस प्लेस और एक हेरिटेज होटल के रूप में इसको स्थापित किया गया था। जीराबाग पैलेस, छ जो झंडे का होता है, इट प्रोनाउंस छ, जीराबाग। अगला यहाँ पे आर्किटेक्चर है 56 महल म्यूजियम। बेसिकली 56 महल यहाँ पे एक मॉसोलम या फिर एक मस्जिद हुआ करती थी, एक मकबरा टाइप हुआ करता था, तो उसके नाम से ये जो 56 महल जो मॉसोलियम था, तो उसके नाम से 56 महल म्यूजियम यहाँ पे पवार राजाओं ने 1856 में स्थापित किया। तो मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि आर्ट एंड कल्चर को काफी इन्होंने बढ़ावा दिया है। तो मिडिवल टाइम के जो भी उनके पास आर्किटेक्चर धार के अंदर थे, उन सबको यहाँ पे 56 महल म्यूजियम के अंदर लाके यहाँ पे स्थापित किया गया। 56 महल नाम इसका इसलिए है कि 1856 में इसको स्थापित किया गया था, और संवत 1856 के अंदर इसको स्थापित किया गया था। तो सॉरी सॉरी, ये है संवत 1956, थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, संवत 1956 के अंदर इसको स्थापित किया गया था, इसलिए इसका नाम जो है 56 महल म्यूजियम है। अगला देखते हैं यहाँ पे धार के अंदर है अशामाड़ा फॉसिल पार्क। तो कुछ बुक्स में आपको मिलेगा कि यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, लेकिन इसको नेशनल पार्क अभी घोषित नहीं किया गया है। तो यहाँ पे जुरासिक एरा, जुरासिक समय के टाइम के जो डायनासोर, मरीन और प्लांट के जो फॉसिल हैं, जो जीवाश्म है, वो जीवाश्म आपको यहाँ पे उपलब्ध होते हैं। गवर्नमेंट द्वारा इनमें से कुछ जीवाश्म को निकाल के म्यूजियम बनाया गया, और यहाँ पे जो एक्सकेवेशन का, जो खनन का कार्य है, वो लगातार चल रहा है। डायनासोर के बहुत सारे जो एग्स हैं या अंडे हैं, या डायनासोर के जो कंकाल हैं, वो यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। उसके बाद धार के अंदर सरदारपुर है। सरदारपुर यहाँ का एक तहसील है जहाँ पे ब्रिटिश की छावनी हुआ करती थी। तो यहाँ पे सरदारपुर में एक सेंचुरी या फिर एक अभयारण्य का निर्माण किया गया। वहां पे जो खरमोर पक्षी है, फ्लोरिकन, उसको लेसर फ्लोरिकन कहा जाता है इंग्लिश के अंदर। तो लेसर फ्लोरिकन जो बर्ड है, उसको कंजर्वेशन के लिए, उसके संरक्षण के लिए यहाँ पे एक सेंचुरी बनाई गई है। आपने नाम सुना होगा डॉक्टर सलीम अली, जो भारत के बहुत बड़े बर्ड वॉचर और बर्ड मैन है, तो उनके एफर्ट्स के कारण एक यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया, इसके खरमोर के संरक्षण के लिए एक सेंचुरी एस्टेब्लिश की गई थी। सेम जो सेंचुरी है वो सैलाना के अंदर है, जो रतलाम जिले के अंदर है। तो सरदारपुर और धार, सैलाना, ये दोनों जो है खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ
बख्तावर सिंह अमझेरा की, जो अमझेरा के राजा हुआ करते थे। अमझेरा आज के समय पे एक छोटा सा टाउन है, लेकिन ब्रिटिश के टाइम पे एक काफी बड़ी रियासत हुआ करती थी, जो ब्रिटिशर्स के जो सब्सिडरी अलायंस थी, सहायक संधि थी, उसके अंदर आता था। तो अमझेरा के जो राजा थे बख्तावर सिंह, उन्होंने जब 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ, 1857 की जब क्रांति हुई, तो उस क्रांति के समय पर इन्होंने, जैसा मैंने आपको बताया कि सरदारपुर के अंदर अंग्रेजों की छावनी थी, तो सरदारपुर और उसके पास में जगह है भोपावर, भोपावर और सरदारपुर दोनों के बीच में अंग्रेजों की छावनी थी। इन्होंने उस छावनी पे हमला किया और वहां से काफी जो वहां पे कैदी थे, उन कैदियों को वहां से आजाद करते हुए पूरी भोपावर छावनी को अपने कब्जे में ले लिया। उससे आगे बढ़ते हुए वो गए महू छावनी की तरफ, और महू छावनी में भी कुछ सैनिकों को आजाद कराते हुए ये इंदौर पहुंचे। लेकिन जैसे ही इंदौर पहुंचते हैं तो वहां पे मेजर डूरंट इनका स्वागत करते हैं और इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनको जैसे ही गिरफ्तार किया जाता है, इंदौर के अंदर जो एमवाई हॉस्पिटल है, महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल, पहले वो राजाओं का पैलेस हुआ करता था, तो वहां पे इनको पब्लिकली उनको हैंग किया गया, पब्लिकली उनको फांसी दी जाती है, बख्तावर सिंह और उनके साथ में उनके साथी गुलाब सिंह, इन दोनों को यहाँ पे ओपनली एक एक करके फांसी दी जाती है खुले के अंदर, ये दिखाने के लिए कि अगर जो भी ब्रिटिश के अगेंस्ट जाएगा उसका यही हाल होगा। तो हम जब फ्रीडम मोमेंट की बात करते हैं तो बख्तावर सिंह का नाम हमेशा भूल जाते हैं। आपको याद रखना है बख्तावर सिंह जो है वो अमझेरा के राजा हुआ करते थे। आप कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करते हैं, तो जैसा आपने, आप सभी को पता है कि ज्ञानदूत जो स्कीम है वो धार के अंदर से स्टार्ट की गई थी। इस स्कीम को स्टार्ट किया गया 1 जनवरी 2000 के अंदर। बेसिकली 2000 के टाइम पे जब 95 से लेके 2003-4 तक जब पूरे देश के अंदर आईटी रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश की गई, जो 1991 में राजीव गांधी लेके आए थे, तो उसका जो एक्सट्रीम फेज है वो 2000 के आसपास आया और यहाँ पे ज्ञानदूत स्कीम स्टार्ट की गई। तो यहाँ पे गांव के अंदर वीसेट टेक्नोलॉजी के थ्रू कंप्यूटर और दूसरी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, कि ये देखने के लिए कि जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो मासेस की लाइफ को या फिर जो आम आदमी की जो लाइफ है उसको कैसे इफेक्ट करता है, वो किस तरह से उसको उपयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए ज्ञानदूत स्कीम यहाँ पे एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया जो ऑलमोस्ट सक्सेस रहा, और आज के समय पे तो हम सभी इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो इन 17 सालों के अंदर आईटी और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काफी डेवलपमेंट हुआ है। आगे के समय में जब गवर्नमेंट स्कीम्स के मैं लेक्चर्स डालूंगा तो इसको मैं और एलोबरेट करके आपको बताऊंगा। अगली ये स्कीम है यहाँ पे महाभागीरथी स्कीम। तो बेसिकली यहाँ पे जहाँ के जो ट्राइबल एरियाज हैं, एक फैक्ट आपको मैं धार के बारे में बता देता हूँ कि नंबर वाइज जो शेड्यूल ट्राइब की जो पॉपुलेशन है, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आधारित जो सबसे अधिक जनसंख्या है वो धार जिले के अंदर है, और परसेंट वाइज जो है वो आपकी है झाबुआ के अंदर। किसी बुक में आपको अलीराजपुर भी मिलेगा, लेकिन जब मैंने पूरे सेंसस के जो डेटा को खंगाला तो मैंने पाया कि जो पॉपुलेशन वाइज जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पर्संस के हिसाब से जो सबसे ज्यादा एसटी लोग रहते हैं वो रहते हैं धार के अंदर। तो यहाँ पे ट्राइब विलेजेस को ड्रिंकिंग वाटर या फिर पीने का साफ पानी प्रोवाइड करने के लिए एक स्कीम चलाई गई, महाभागीरथी स्कीम। ये महाभागीरथी जो स्कीम है ये चलाई गई विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक, और इसका सेकेंड फेज अभी चल रहा है। तो वहाँ पे गाँव को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जा रहा है। अगला, ये जो स्कीम है पूरी ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द्वारा वहाँ पे समय समय पे चलाई गई थी, स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम ये नहीं है। अगला जो स्कीम है नयनतारा ज्योतिर्मय, ये जो स्कीम है इस स्कीम का उद्देश्य था कि पूरे धार डिस्ट्रिक्ट को कैटरेक्ट फ्री करना, कैटरेक्ट मतलब मोतियाबिंद। तो जब एक सर्वे में पाया गया कि यहाँ पे तकरीबन 15,000 से 16,000 लोग जो है वो कैटरेक्ट या फिर मोतियाबिंद से पीड़ित हैं, तो एक पूरा एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया और सभी लोगों को यहाँ पे कैटरेक्ट का ऑपरेशन करके सबको कैटरेक्ट मुक्त किया गया। तो काफी एक मास मूवमेंट चला था उस टाइम पे, गिनीज बुक के अंदर धार का नाम आया था कि सबसे ज्यादा कैटरेक्ट ऑपरेशन यहाँ पे किए गए हैं। उसके बाद धार के अंदर एक स्कूल स्टैब्लिश है सोपान, इसका पूरा नाम है स्पेशल स्कूल फॉर हैंडीकैप्ड डिसेबल चिल्ड्रन, स्पेशल स्कूल फॉर हैंडीकैप्ड डिसेबल चिल्ड्रन। तो दिव्यांग बच्चे जो होते हैं, जो हैंडीकैप्ड होते हैं या फिर ठीक से बोल सुन नहीं पाते हैं तो, या मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, तो उनके लिए सोपान स्कूल यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया। खैर बहुत ज़्यादा, तकरीबन 200 से 250 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे नहीं है। तो दोस्तों ये था धार डिस्ट्रिक्ट। आप मुझे प्लीज़ रिव्यू कीजिए कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा, और प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।